और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे। और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। आई एम बहुत एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग अ चांस, गोल्डन चांस टू मीट अ प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आई एम आदित्य फ्रॉम क्लास 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ कक्षा 11। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V.S. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Camp. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. Namaskar, main Soumya Tiwari, केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे, जो भी बातें हैं हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा अच्छा बोलेंगे बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे, इससे हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। पे चर्चा 2022 का ये कार्यक्रम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे देश भर के स्टूडेंट्स, वो घड़ी वो लम्हा आ चुका है। पूरा तालकटोरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद शुरू होने जा रहा है 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि तमाम तरह के टिप्स भी देंगे बच्चों को, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हम सब ये जानते हैं कि परीक्षा के वक्त खासतौर पर बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, कितना मानसिक दबाव होता है, कितना प्रेशर होता है बच्चों पर। और इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बखूबी वाकिफ हैं और यही वजह है कि साल 2018 में ये नायाब पहल, प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू की गई और तब से ये सिलसिला जारी है। आज इस साल की परीक्षा पे चर्चा का यह कार्यक्रम अपने आप में इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि दो साल तक ऑफलाइन एग्जाम्स बच्चों ने नहीं दिया, ऑफलाइन पढ़ाई बच्चों की बंद रही कोरोना की वजह से। और उसके बाद यह मौका आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफलाइन तरीके से बच्चों से मुखातिब होने जा रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और कोशिश यही है कि बच्चों के ऊपर जो परीक्षा का मानसिक दबाव होता है, जो टेंशन होता है, उसे खत्म किया जा सके, बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके। क्योंकि कहा भी यह जाता है कि जीवन में किसी भी तरह की जंग का अगर आपको सामना करना है तो एक जंग तो ताकत से जीती जाती है और दूसरा तरीका होता है जंग जीतने का, अपने आत्मबल को बढ़ाना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम बच्चों में यही कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश है, मानसिक दबाव कम हो, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, यही कोशिश पीएम मोदी की।
थोड़ी ही देर बाद ये संवाद शुरू होगा। और समीर, अंग्रेजी साहित्य के का एक बहुत बड़ा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। बिल्कुल। और साफ तौर पे अगर उसको समझने की कोशिश करें तो जो बच्चे होते हैं भविष्य में कैसे व्यक्ति या कैसा नागरिक बनेंगे उसकी शुरुआत वहीं से होती है, वो बीज वहीं होता है। और शायद देश का अगर नेतृत्व कोई कर रहा है, कोई लीडर है देश का, तो वो इस बात को समझता है, उसको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बच्चों से किस तरह के इंटरेक्शन, उनकी समस्याओं और उनके भविष्य के निर्माण में हमारी क्या हो सकती है भूमिका, अभिभावकों की भूमिका क्या हो सकती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका हो सकती है, उनसे सीधे संवाद करके उनके विषयों पर क्या बातचीत हम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि जब देश के टॉप लीडरशिप की तरफ से उनकी समस्याओं पर बात की जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको हम एक राह दिखाने की तरफ भी अग्रसर करेंगे।